हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के लिए मैं ये स्ट्रॉबेरी वाला पैटर्न लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन बनके कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसे बेबी स्वेटर में डालेंगे, बहुत ही प्यारा लगेगा बनने के बाद। लेडीज जैकेट, बेबी स्वेटर, बेबी कैप, ये देखिए हमारा ये बैक साइड से है और ये हमारा राइट साइड से है। यहाँ पर हमने तीन पैटर्न डाल लिया। अब हमारा चौथा यहाँ से पड़ेगा। यहाँ पे हमने दो सिलाई उल्टा सीधा बुन लिया है, दो हमें और बुनना है। चार सिलाई पे हमारा, चार सिलाई हम इस कलर से, ग्रीन कलर से जो हमारा बेस कलर है, इससे हम चार सिलाई उल्टा सीधा बुनेंगे। फिर हमारा ये रेड कलर से पैटर्न बनेगा, स्ट्रॉबेरी बन के आएगी। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, उभरा उभरा बना है। चलिए मैं आपको इसे बनाकर दिखाती हूँ। दो सिलाई हमने उल्टा सीधा बुन लिया है। अब हमारा तीसरा सिलाई यहाँ से सीधा सीधा हम बुनेंगे। थर्ड रो हमारा बनेगा, पूरी सिलाई हमें सीधी बुन लेनी है। ये हमारा चार सिलाई बन के पूरा कंप्लीट हो गया है उल्टा सीधा। अब यहाँ से हम स्ट्रॉबेरी बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ हमने स्ट्रॉबेरी पहला फंदा हम यहाँ स्लिप करेंगे। फिर इसमें हमें जहाँ से हमने चौथी सिलाई बनाना स्टार्ट किया था, यहाँ से हमको इसी वाले स्टेप से रेड वाला धागा ऐड करना है। इसमें एक बार सीधा बुन के हम निकाल लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर उसी में डालेंगे दो, ढीला ही रखना है हमको इसको। फिर आगे करेंगे, फिर एक बार निकालेंगे। ये हमारा पांच फंदा ये बन गया है। अब ये वाला फंदा हम यहीं इसको छोड़ देंगे और तीन फंदे हम स्लिप करेंगे। दूसरी स्ट्रॉबेरी बनाएंगे, वो भी हम चौथी सिलाई जहाँ से बनाना स्टार्ट किए थे वहीं से हम पांच फंदे बनाएंगे। धागा आगे करेंगे, तीन, फिर धागा आगे करेंगे, फिर उसी से हमें निकालना है पांच। यहाँ हमारा पांच हो गया। अब हम इसको, इस वाले फंदे को यहीं छोड़ देंगे, तीन फंदे फिर हम स्लिप करेंगे। फिर इसी वाले फंदे में यहाँ नीचे से जहाँ से हमने चौथी सिलाई बनाना स्टार्ट किया था यहीं से हम पांच फंदे निकालेंगे। धागा आगे करेंगे, फिर एक बार बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर एक बार बुनेंगे। पांच बार हमें इसी में पांच फंदे बनाना है, तीन बार इसमें बुनना है हमें। फिर ये वाला फंदा हम यहीं छोड़ देंगे, फिर तीन फंदा स्लिप करेंगे। जैसे हमने इसे बनाया है बस ऐसे ही हमें पूरी सिलाई रिपीट करना है। धागा आगे करेंगे, तीन फंदा हमें स्लिप कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पूरी सिलाई बनके कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक साइड से, बैक साइड पे भी हमें ये जो ग्रीन वाला है, ये हमें जो हमने स्लिप किया है सीधी साइड से, उसे हमें स्लिप ही करना है। ये फंदा हम स्लिप कर लेंगे। रेड वाले जो हमने पांचों फंदा बनाया था, पांच फंदों को हमें एक करना है। रेड वाले धागे से बुन लेना है, पांच फंदों को एक कर लेना है, फिर तीन फंदे स्लिप करेंगे।
फिर ये वाला हमें 5 का 1 कर लेना है, फिर 3 फंदे हम स्लिप करेंगे, फिर यहाँ पे 5 फंदों का हम 1 फंदा करेंगे, फिर 3 फंदे हम स्लिप करेंगे, फिर हमें 5 फंदों का 1 फंदा कर लेना है। पूरी सिलाई हम ऐसे ही रिपीट करेंगे। ये देखिए हम सीधी साइड से बनाएंगे, यहाँ हमें ग्रीन वाले धागे से बुनना है। पहला फंदा हमें बुन लेना है। अब यहाँ पे हमने 3 फंदा निकाला था तो उसी 3 फंदों में हमें बुनना है। 1 फंदा पहला फंदा हम डालेंगे सीधा, उसी में 1 फंदा निकाल लेंगे, फिर एक बार दूसरे में डालेंगे, फिर इसमें भी 1 फंदा बुन के निकाल लेना है, फिर यहाँ तीसरे में हम डालेंगे, इसमें भी 1 फंदा बुन के ग्रीन वाला हमें निकाल लेना है। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी में हम 3 फंदे निकालेंगे, फिर ये जो हमने रेड वाला बनाया था 5 का 1 किया है उसे भी हमें बुन लेना है, फिर ये जो हमने 3 निकाला फंदा, 3 फंदों को हमें यहाँ से इस पे पास कर देना है, इधर कर देना है। अब ये वाला फंदा, इस वाले फंदे को हम इस वाली सिलाई में करेंगे। अब हमें इसे सीधा इधर से बुन लेना है। ये देखिए हमारी स्ट्रॉबेरी उभर के आएगी। यहाँ हमें टाइट रखना है इस फंदे को। अब अगला फंदा हम बुनेंगे, इसको भी हम टाइट ही बुनेंगे तो ये वाला हमारा उभर के आएगा। तीन फंदा हमें सीधा बुन लेना है। अब फिर जैसे हमने इसको बनाया वैसे हम इसे भी रिपीट करेंगे। तीन बार इसमें बुनेंगे, एक बार रेड वाला बुनेंगे। अब ये रेड वाला जो बुने हैं इसी में हम 3 फंदों को उतार लेंगे। ये देखिए अब इस फंदे को हम इधर से इस वाली सिलाई में करेंगे, फिर एक बार इसको और बुनेंगे। ये देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत बन के आया है। टाइट ही रखना है हमको इसे। फिर 3 फंदा हम सीधा बुनेंगे, ये देखिए हमारी पूरी सिलाई बन गई है। अभी हम लास्ट वाला बना रहे हैं। यहाँ पे हमें 4 फंदा हमने बुन लिया है और इसे हमें लास्ट वाले में पास कर लेना है 3 फंदों को। ये देखिए ये वाला फंदा हम टाइट रखेंगे, फिर इस वाले फंदे को एक बार इस वाली सिलाई में करेंगे लेफ्ट वाले में, फिर एक बार इसको फिर सीधा बुनेंगे, फिर 3 फंदों को हमें सीधा बुन लेना है। ये देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत बन के आया है स्ट्रॉबेरी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नई नई वीडियो आपको मिलती रहे।